हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप अच्छे होंगे। 10:30 से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग के हो रहे हैं 10:30। ब्रेकफास्ट कर ली हूँ और मैं हो गई हूँ रेडी। बस कॉम करना है मुझे। ये वाली मैं इयररिंग्स डाली हूँ जो बहुत सारी वीडियोस में डाल चुकी हूँ, क्योंकि ये मल्टी कलर है। और पता है नवरात्रि में ये वाले इस टाइप के इयररिंग्स ना काफी ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं डालने में, मल्टी कलर के, या फिर जो भी हम मिरर वर्क वाले, अगर हम मिरर वाला अगर मैं इयररिंग्स डालती तो इस टाइप के इयररिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। रेड चूड़िया में डाल रखी हूँ और हम जा रहे हैं सेक्टर 22 मार्केट, मतलब सोच रखे हैं, देखिए अभी अभी पहुंच जाए तब की बात है। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी, थोड़ा सा दिखाई थी मैं, पनीर की भुर्जी और रोटी, बस यही बनाई थी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाई थी। मॉर्निंग टाइम में मिल्क था तो उसका थोड़ा सा, कल मैं बताई थी कि मिल्क फट गया था, तो परसों वाला जो मिल्क फ्रिज में था खराब नहीं हुआ था तो उसका मैं बनाई थी चाय। स्पर्श भी रेडी हो गया, बस रेडी हो रहा है वो, उसको मैंने टी शर्ट डाल दी, ऊपर से जैकेट डाला है और बस थोड़े टाइम में हम निकल जाएंगे। बस मुझे कॉम करना है, मतलब मैं सोच रही हूँ ना एक यहाँ क्लचर लगा लूँ, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे ना गर्मी सी होगी, हो सकता है गर्मी तो नहीं है वैसे, मैं बता रही हूँ बारिश जब से हुई थी ना उसके बाद से थोड़ी थोड़ी ठंडी सुबह सुबह लग रही है। जैसे मैं तो श्रग डाल रही हूँ ऊपर से 2-3 दिनों से ऐसे सुबह सुबह, क्योंकि ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाए, रात में ठीक रहता है सुबह में ज्यादा ठंड रहती है। चलिए फिर निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं सेक्टर 22 मार्केट, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। तो आज बस मैं आपको मार्केट का ही दिखाऊंगी इस वीडियो में। और मैं बहुत पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी सेक्टर 22 मार्केट का, जब मैं अपना चैनल स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आई नहीं थी, काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ, 1.5 साल हो गए मेरे को आए हुए यहाँ पर, अब मैं आ रही हूँ। एक्चुअली करवाचौथ की कुछ शॉपिंग का था ना, इनकी छुट्टी थी तो हम सोचे कि चलो चलते हैं आज सेक्टर 22। मेरा अब काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी जूतियाँ लगी हुई है, और बहुत ही यहाँ इतना ज़्यादा रश रहता है ना कि कुछ भी शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। यहाँ पे मैं ये टॉप देख रही थी, यहाँ साइड साइड में लगा हुआ रहता है, ये वाला मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था, फिर मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी कपड़े लेती हूँ ना, पता है क्या होता है, ठीक मैं ये नहीं बोलती हूँ ख़राब नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत जितने कपड़े हम अच्छे शॉप से लेते हैं वो कपड़े, और उसके मुकाबले में ना ये वाले कपड़े थोड़े कम चलते हैं। बट फिर भी ना मैं एक दो तो ले ही लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है जब मैं कुर्तियाँ या फिर कुछ भी देखती हूँ ना, मेरे को पता होता है कि वो नहीं चलेगा, फिर भी मैं यहाँ से एक दो ले लेती हूँ। यहाँ पे मुझे फुलकारी दुपट्टे अभी तक मेरे पास नहीं है तो मुझे लेने थे, बट प्राइस बहुत ज़्यादा ये लोग बता रहे थे, मीन्स ये लोग 900 बता रहे थे एक दुपट्टे का, तो मेरे को लगा यार मैं तो शॉप से ही फिर ले लूँगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चीप मार्केट नहीं है, कम प्राइस में ऐसा नहीं होता, नहीं मिलता है, कोई कोई चीज़ें हैं जो मिल जाएगी बट उतना भी कम नहीं होता है कि हमें बहुत सारे हम सामान खरीद लें। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मीन्स ये घर को डेकोरेट करने के लिए है, लेकिन ना मैं सोच सोच के रह जाती हूँ यार, फिर मुझे घर अपना घर होता ना तो कुछ अलग ही बात होता, और इसी वजह से मैं ना देख देख के रह जाती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था, ये मैं इनसे बोली भी कि कुछ ले लेते हैं, बोलते हैं बाद में आके लेना, अभी ये सब मत लो क्योंकि फिर टूट फूट जाएगा इधर उधर करना, तो देखो अब क्या होता है यार, अपना घर होता तो ज़रूर मैं लेके जाती यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा था। Thank you.
पर्स के लिए मैंने एक फ़िश लिया छोटा सा जो अभी दिख रहा था, और कुछ उसको नहीं लेना था क्योंकि सारे कुछ जितने भी टॉयज है ना उसके पास है वो खेलता ही नहीं है। और उसके बाद हम ना रोड क्रॉस करके दूसरे साइड में जो सेक्टर 22 मार्केट के पीछे वाला जो मार्केट है वहाँ मैं गई। मुझे एक ईयरिंग्स लेना था तो मैंने पूछा था कि वो ईयरिंग्स कहाँ मिलेगा, तो एक भैया ने बताया कि वहाँ मिलेगा शॉप वाले भैया ने, तो फिर हम पीछे साइड में चले आए। यहाँ पर मैं ट्राई करने वाली थी ईयरिंग्स क्योंकि मुझे वो ईयरिंग्स लेना ही लेना था, उसी टाइप का ढूंढ रही थी। और मेरी ना समझ लो कि थोड़ी बहुत करवा चौथ की ये शॉपिंग के नाम पे ही आई हूँ मैं, थोड़े कुछ कुछ पसंद आ जाए जैसे बैंगल्स हो गए, ईयरिंग्स हो गए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैं आप लोगों से जो जो मैं लूँगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया है। और यहाँ पे हम आ गए थे, खादी का शोरूम था तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बस खादी की ही हैं। उसके बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट में, और जब भी मैं सेक्टर 22 मार्केट आती हूँ तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आती हूँ बिकॉज़ यहाँ का नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मीन बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो यहाँ हम आ गए थे, नूडल्स हमने एक्चुअली इनका छोले भटूरे खाने का मन था, मैं बोली नहीं मुझे तो नूडल्स ही खाना है। और इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मीन्स थोड़ा सा जुकाम फीवर भी था हल्का सा, कल था आज तो नहीं है। तो यहाँ पे नूडल्स आ गया है, वेट करना पड़ा था हमें। उसके बाद मैं इनको भी सर्व कर दे रही हूँ, इस पर्स को भी, और मैं खुद भी ले ले रही हूँ, और हम खा लेते हैं फिर यहाँ से हम निकलेंगे। हम नूडल्स खा के रेस्टोरेंट से निकल चुके थे, उसके बाद हम फिर दूसरे साइड में। और मैं आपको बताऊँ ना तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है, और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है बट सोचना पड़ता है क्या क्या लूँ। और यहाँ पे मेरे को जहाँ भी ईयरिंग्स दिख रहा था मैं ज़रूर रुक जा रही थी क्योंकि मुझे ईयरिंग्स मुझे बहुत ही पसंद आते हैं यहाँ के। और यहाँ मैं फ़्लावर देखने आई थी तो मैं एक फ़्लावर यहाँ से लूँगी, और ये सारा सामान था यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये मैं इसमें से फ़्लावर एक ली हूँ। मैं अभी ली हूँ एक ब्लैक कलर की बेली, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बेली में जब आती हूँ तो एक बेली ज़रूर लेती हूँ, और ब्लैक कलर मेरे कलेक्शन में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये वाला भी मुझे पसंद था लेकिन ये बोले ना कि हम बाद में आके लेंगे, और अभी तक मैं ना बाहर बाहर ही घूम रही थी। अभी मैं अंदर आई हूँ जहाँ पे शॉप रहते हैं, और शॉप पे मैं साइड साइड में बताऊँ ना तो सारा कुछ खाली हो चुका है। यहाँ पे मैं देखने आई थी सोफ़ा का कवर बट मुझे पसंद नहीं आया, और सोफ़ा का कवर मुझे एक लेना है बट मैं यहाँ पे पसंद नहीं आया फिर मैं नहीं ली। और शॉप के साइड साइड में ना पहले बहुत ही रश रहती थी, अभी इस टाइम के सारे लोग मतलब जो साइड में बेचते थे ना वो सारे बाहर चले गए हैं, और बाहर ही एक डेढ़ घंटे लग जाते हैं, अंदर का तो पूछो नहीं। तो बस हम थोड़ा सा अंदर भी हम शॉपिंग कर लिए जो जो लेना था। कुर्ती लेनी थी मुझे एक, मैंने एक लिया है कुर्ती, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट मेरे को लगा कि चलो मुझे ले लेना चाहिए तो मैंने ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है, जो भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ मैं आप लोग से शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। और फाइनली हमारी जो शॉपिंग थी वो हो चुकी है, और इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ना तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, ये बोली कि नहीं चलो मैं थक चुका हूँ, मैं बोली कि चलो फिर चलते हैं। तो हम यहाँ वापस जाने लगे हैं घर को, और फिर हम इन्होंने ओला बुक किया तो ओला से हम जा रहे हैं। और यहाँ की ग्रीनरी देख रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप लोग चंडीगढ़ से होना तो सेक्टर 22 मार्केट में शॉपिंग ज़रूर करना, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो शॉपिंग करने के नाम पे ना मैं शॉपिंग करूँ ना करूँ वहाँ मुझे जाके ना बहुत ही मज़ा आता है चीज़ों को देख के। और यहाँ पे स्पर्श है, स्पर्श अपना माउथ क्लोज कर रहा था, और अब थोड़े टाइम में हम घर पहुँच जाएंगे, मीन्स हमारा थोड़ा सा घर यहाँ से दूर रहता है। और ये मैं नहीं बता सकती, बहुत लोग पूछते हैं आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो, तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ रहती हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूरी है सोशल मीडिया पे। तो चलिए आप लोगों से अब मिलूँगी। यहाँ पे स्पर्श की स्माइल देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, यहाँ पे भुट्टे बिक रहे थे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।